तो प्रश्न है, दोबारा आप बताइए प्रश्न। इस हम जो भक्ति करते हैं, सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे संस्थाएं, निरंकार, हरिओम, ये सारे लोग बोलते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं वो भी ठीक है और इतना करना जरूरत नहीं है, और आप भी जहां जाएंगे हम भी वहां जा सकते हैं। तो इसमें वो लोग जो कर रहे हैं और हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, इसमें क्या अंतर है? वो जा सकेंगे कि तो नहीं? प्रश्न है कि हम भी प्रयास हम करते हैं भक्ति, और बहुत सारे संस्था है और सब लोग बोलते हैं कि हमारा भी सही है, और आप जो कर रहे हैं वो भी सही है, और हम जो मैं कर कर रहे हैं रहा वो हूं वो भी भी सही सही है। है, और हम एक ही गति प्राप्त करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बार बार आता है। तो यहाँ पर प्रश्न आएगा कि सही क्या है, गलत क्या है, आधार क्या है, कि कैसे हम बात समझ पाएंगे कि सही क्या है, गलत क्या है। वो लोगों का विचार है कि सब कुछ सही है, जो हम कर रहे हैं और आप कर रहे हैं वो भी सही है, परंतु ऐसा नहीं हो सकते। ये एक दूसरा एक विचार है जो जिनको बोलते हैं यतो मत ततो पथ, जो जितना मत है इतना पथ है, पथ मतलब रास्ता। जितना भी विचार है अलग अलग प्रकार के, वो सब सही रास्ता है, परंतु भगवान ऐसे नहीं बोला गीता में। एक उदाहरण है गीता में, यंति देव व्रता देवंत या पितृ यंति पितृव्रता भूतानि यंति भूतेजा यंति माम यजिनोपि माम। ये जो देवी देवताओं को पूजा कर रहे वहां पहुंच जाएंगे, और जो पितरियों की पूजा कर रहे तो पितृलोक में जाएंगे, भूत प्रेत की पूजा कर रहे तो भूत के पास जाएंगे, और जो भगवान कृष्ण की भक्ति करते तो उनके पास जाएंगे। तो ये अलग अलग चीज है, परंतु ये जो बोलते हैं अलग अलग सेवा, अलग अलग पूजा करना, तो अलग जगह में जाना, तो व्यक्ति जो देवों तो की पूजा करे तो वहां जाएंगे स्वर्ग लोग, जो पितृलोक तो पितृलोक ठीक है, भूत प्रेत की पूजा करे तो भूत बन जाएंगे, और कृष्ण की पूजा तो कृष्ण के पास जाएंगे। तो ये अच्छा है, अच्छा मतलब यहाँ सिद्धांत समझना चाहिए, परंतु तो ये जो अलग अलग संस्था है आजकल हिंदू के अंदर में और हर एक धर्म में है अलग अलग, तो एक विचार एक बात भी है कि इंडिया यहाँ पर बोलते हैं लोग कि जो भी आप लोग हम भी करते हैं वो आप भी करते हैं वो सब सही है। अभी क्रिश्चियन धर्म में अलग अलग संस्था है और वहां पर आपस में युद्ध करते हैं, तो वहां पर सीधा बोलते हैं कि हमारा ही केवल सही है, हमारा सही है तो भगवान के पास जाएंगे, अगर दूसरे में जाएंगे तो नरक जाओगे जरूर। तो आपस में युद्ध करते हैं, युद्ध मतलब एक्चुअली इंग्लैंड आयरलैंड में वॉर था, युद्ध श्रुति इसके बारे में, इसके लिए तो ऐसे धर्म युद्ध तथा कथित धर्म युद्ध। तो अभी सही क्या है, गलत क्या है, कृष्ण ने कहा एवं परंपरा प्राप्तम इमाम रजर्षयो विदुः सकाले नियम योग नाश्त परंतपा। तो ये श्लोक समझना चाहिए कि प्रमाणिक गुरु परंपरा से गुरु मतलब दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है, और राजर्षि पूर्ण समय ऐसा किया, इमाम विवस्वते योगम प्रोक्तवाम विवस्वान मानवी प्रभा मानुर इक्ष्व कवि ब्रवीत। भगवान कृष्ण ने उदाहरण दिया कि कैसे उन्होंने विवस्वान को दिया, विवस्वान मानु मानो इक्ष्वाकु को दिया इस ज्ञान दिव्य ज्ञान। तो और आगे श्लोक में ये बोल रहे कि ये परंपरा से आ रहे हैं और ये तरीका है, परंतु योग नाश्ता परंतर बीच में परा तुर गया। तो अभी क्या है, ये अलग अलग संस्था बोलते कि हम भी कृष्ण को मानते, हम भी भगवान को मानते, परंतु किस प्रकार मानते,
कृष्ण ने कहा कि मैंने ज्ञान दिया परंतु परंपरा योगो नष्ट परंतप, इसका अर्थ है कि बीच में परंपरा टूट गई। इसका अर्थ नहीं है कि बिल्कुल लोग बाकी मतलब कुछ अभ्यास साधना कीर्तन वो पूरी तरह से छोड़ दिया, परंतु अपने हिसाब से शुरू किया ये सारे चीज। तो जैसे उदाहरण आपने दिया निरंकारी, बोल रहे भगवान निराकार है बोलते, ठीक है, और ये बहुत सारे बोलते, बहुत पूरा भारत में सब लोग लगभग इस सोचते कि भगवान निराकार है। तो अभी भगवान ने क्लियरली स्पष्ट उन्होंने कहा गीता में, अव्यक्त व्यक्ति मापनम मान्यते माम अबुदय, कि व्यक्ति जो सोच रहे हैं कि मैं पहले अव्यक्ति था, निराकार था, बाद में मैं व्यक्ति बन गया, तो ऐसा व्यक्ति अबुदय मतलब मूर्ख है, उनके पास कोई ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है उनके पास, परम भाव अजान, तो वो नहीं जानते मेरा परम भाव परम रूप कैसा है, वो नहीं जानते। ये एक ही श्लोक में जो क्लियर स्पष्ट उन्होंने कहा, बाद में 12वां अध्याय शुरुआत से ही अर्जुन जिज्ञासा किया कि कौन सी पूजा श्रेष्ठ है, साकार या निराकार, उसमें भगवान कृष्ण तुरंत बताए कि मैं मेरा मत है। तो भगवान का मत मतलब सिद्धांत है कि जो साकार की पूजा है वो श्रेष्ठ है, और जो निराकार की पूजा कर रहे हैं अंतिम में मुझे ही प्राप्त करेंगे, मतलब कि साकार तक आएंगे, परंतु बहुत समय लगेगा, बहुत क्या है, क्लेशो दिखारस्ते शम अव्यक्त सक्तम चेतसा, बहुत कठिन बहुत तपस्या करना होगा उस वो व्यक्ति के लिए जो जिनका आसक्ति है अव्यक्ति निराकार में आसक्ति, बहुत कष्ट बहुत तपस्या बहुत सेवा करना होगा और बहुत जन्मों लगेगा, और तब वापस वही समझ पाएंगे कि वो भगवान व्यक्ति है। तो यहाँ पर स्पष्ट भगवान ने ये समझाया। तो फिर भी अभी बात यह है कि लोग अपने हिसाब से कुछ करना चाहते हैं और करते हैं। हरे कृष्ण तो करते हैं। तो अभी क्या है, ये बात कि हमारा सही है और आपका भी सही है सबका सही है, ये मायावाद है, ये नहीं हो सकते, ये बेकार बात है। क्योंकि उदाहरण के लिए श्रील प्रभुपाद ने कई बार भी उदाहरण दिया, अगर हम अभी हम बॉम्बे में हैं तो हम ट्रेन स्टेशन में हैं, तो स्टेशन में बहुत सारे ट्रेन हैं, मुझे दिल्ली जाना है और वहां ट्रेन है कलकत्ता जाने के लिए, तो मेरा टिकट है दिल्ली के लिए, हम बैठ गए कलकत्ता के ट्रेन, और हम कहाँ पहुंच जाएंगे, कलकत्ता कलकत्ता हम दिल्ली में नहीं पहुंच सकते। तो हाँ ठीक है, कोई भी ट्रेन चलेगा, बैठ जाओ, ट्रेन तो है टिकट है जाओगे, लेकिन वहां नहीं पहुंच जाएंगे, पहुंच पाएंगे जहां पर आपका हेतु तो है पहुंचने का, तो सही ट्रेन में बैठना पड़ेगा, तो भगवान को प्राप्त करने के लिए, जो भगवान ने खुद दिया ज्ञान गीता में, और जो भगवान के भक्त प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा के जो आचार्य है जो यथारूप पालन करते हैं, ऐसे ऐसे जगह से हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा, ऐसे जगह से हम श्रवण करना है, सीखना है और अभ्यास करना है, आचरण करना है और इस प्रकार भी प्रचार करना है। तो ये नहीं चलेगा, या तो माता तो पद, ये भी बोलते हैं क्रिश्चियन धर्म में कि ऑल द पाथ्स लीड्स टू रोम, जो भी मार्ग है सब कुछ रोम तक, जो वहां मुख्य तीर्थ स्थान है ईसाई लोग के लिए क्रिश्चियन लोग के लिए, कि जो भी आप जा रहे हो सब वहां ही पहुंचेंगे।
परंतु व्यक्ति, मान लीजिए अगर व्यक्ति पाप कर रहे हैं, और ये जो अलग अलग लोग बोलते हैं वो कोई नियम पालन नहीं नहीं करते हैं। करते। यस नियम नियम मतलब जैसे अवैध स्त्री पुरुष संग, जुआ खेलना, मांस मछली और ये नाशा लेना, ये कोई पालन नहीं करते, बहुत कम। और अगर पालन करते भी तो फिर भी अगर बोलते कि भगवान निराकार है और अपने हिसाब से कुछ करते, तो इसके हिसाब से भगवान भगवान मतलब वर्णन है शास्त्र में कि वर्णन है यह शास्त्र विधि बुद्ध सृज्या वर्तते काम करता न ससीदिम अवाप्नोति न सुखम न परम गतिम, कि अगर व्यक्ति शास्त्र विधि के अनुसार भक्ति नहीं करते, सृजन मतलब त्याग किया शास्त्रों का विधि, तो सुख सिद्धि और परम गति असंभव है। ना सासिदिम ना सुखम ना परम गति, 3 बार ना बोल रहे, नहीं नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, ये भगवान ने क्लियरली बताया। तो अभी वो लोग बोलेंगे कि हमारे पास भी है गीता, हमारे पास भी है बुक्स, नहीं ग्रंथ है, शास्त्र है, हम शास्त्र विधि के अनुसार ये करते हैं, पर तो कौन लिखा है ये सब, किस प्रकार लिखा है? तो गुरु शिष्य परंपरा विशेष हमारे लिए ये है, ब्रह्मवाद गौड़ीय संप्रदाय, मतलब 4 प्रामाणिक संप्रदाय हैं, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, चतुष कुमार संप्रदाय और ब्रह्मवाद गौड़ीय संप्रदाय, ये सब प्रामाणिक संप्रदाय है शास्त्रों के अनुसार। तो विशेष यहाँ पर हमारा ये है ब्रह्मवाद गौड़ीय संप्रदाय, जिस भगवान की कृपा से हम मौका मिला इससे जोड़ने के लिए, उससे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर वेद व्यास स्वयं कृष्ण और नारायण, वेद नारायण साक्षात, सबसे पहले नारायण ने ही ज्ञान दिया, कृष्ण ही नहीं दिया, किसको दिया? ब्रह्मा को दिया, ये पहले आचार्य, सबसे पहला आचार्य तो कृष्ण ही है, परंतु उसके बाद ब्रह्मा, उन्होंने ज्ञान दिया नारद को। ये भागवतम दूसरा स्कंद में प्रश्नोत्तर चल रहा है, वहां पर नारद ब्रह्मा से ही जिज्ञासा कर रहे हैं भगवान के बारे में, परिस्थिति सब सारी चीजों के बारे में, भक्ति के बारे में वो ही जिज्ञासा कर रहे हैं। वहां कालीसंतरा उपनिषद में ये चर्चा हो रहा है कि कालियों के लिए मुख्य उपाय क्या है, तो वहां पर ब्रह्मा ने नारद को दिया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और बाद में नारद के शिष्य है वेद व्यास स्वयं, और वह स्वयं भगवान के अवतार भी है। तो ये जो आचार्य है उसी परंपरा के अनुसार हम ये प्रयास कर रहे हैं पालन करने के लिए। और ऑफकोर्स बाद में सारे आचार्य और शिला प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शिला प्रभुपाद, बीच में चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण आता है, इसी संप्रदाय में वापस स्थापित कर रहे करने के लिए, बार बार वापस स्थापित करने के लिए। तो देखिए ये जो कृष्ण ने कहा कि ये परंपरा नाश हो गया, और कृष्ण खुद आ गया, ये वो आए थे कुछ स्थापित करने के लिए। सा एवं मया तेजा योगा प्रोक्त पुरातन भक्तों से मैं सखा चेती रहस्यम ये तद उत्तम, कृष्ण खुद आया वापस गुरु शिष्य परंपरा स्थापित करने के लिए, परंपरा नाश हो गया वापस कृष्ण ने स्थापित किया। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु और बाकी उनके शिष्य शार्ङ्ग गोस्वामी और सारे आचार्य अभी श्रील प्रभुपाद ने दिया यथारूप ये ज्ञान हमको दिया, सब सबको प्रचार कर रहे हैं, पुस्तकों में है। तो अभी ये अगर हम पूछेंगे ये लोगों से आपका परंपरा कहाँ से, सब बोलेंगे हमारा परंपरा है बोलेंगे, लेकिन अगर हम बाद में पूछेंगे तो बोलेंगे एक गुरु के परंपरा
बाद में एक, उससे पहले ए था, ये था बाद में कहा नहीं था, नहीं बाद में एक है शिव बाबा गुरु, जो शंकर देव नहीं है, जो शिव जी नहीं है, कोई शिव बाबा थे, 1936 ऐसा कुछ, नहीं वो उसी उसी डेट पे बोलते हैं, वो उस समय के हैं। तो ये इस इसी युग इसी इसी इस समय के हैं। तो उससे पहले कौन थे? सीधा भगवान निराकारों को ज्ञान दिया। ये कौन सी शास्त्र में लिखा है, ये कौन सी परंपरा है, और इस प्रकार बहुत सारे हैं। स्वप्न में आ गया कोई और ये बोला, ठीक है। ये भी एक बात है कि अगर स्वप्न में भगवान आ गया और कुछ ज्ञान दिया, अगर वो ज्ञान शास्त्रों के हिसाब से है और पूर्व गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार है, तो हो सकते हैं, क्यों नहीं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। पर तो अगर नहीं है तब मनोकल्पना है, तब मनोकल्पना है। तो इसलिए ये हम सब नहीं मान सकते कि जो भी है। इसीलिए भागवतम पांचवा स्कंद में आपने पढ़ाई किया, पांचवा स्कंद में नारक के बारे में वर्णन है। इसमें से एक नारक है जहां वर्णन है कि लोग जो वेदों वैदिक शास्त्र से अलग कुछ कर रहे हैं, अपने हिसाब से कुछ कर रहे हैं, तो 80 पत्रवाना नारक है उनके लिए, जहां उनको सजा मिलेगा। तो हो देखिए, ये लोग सब पूजा भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, कथा भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, परंतु तो क्योंकि वेदों से अलग है, प्रामाणिक परंपरा से अलग है, वो सब नारक जाएंगे, पाप। तो बहुत बहुत समस्या है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद हमारे पूर्व आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्त विनोद ठाकुर, वो बहुत बहुत ज्यादा खंडन करते थे ये तथाकथित गुरुओं को, जो अपने हिसाब से भक्ति करते, जो प्रामाणिक गुरु परंपरा से डिविएट हो गया, अलग हो गया, तो आपा संप्रदाय, इतना खंडन किया। क्यों? क्योंकि लोग सोचते कि हम भक्ति करते, अभी सामान्य लोग नहीं जानते सही क्या है गलत क्या है, अच्छा लग रहे हैं सही लग रहे हैं अज्ञान में, और बाद में ये सोचते कि हम तो भक्ति कर रहे हैं, मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भक्ति करना, साधना करना, तो पूरा लग जाते हैं उसमें, परंतु कि गलत है, तो भक्ति के नाम में नारक जाएंगे। इसीलिए जब हम प्रचार करते हैं, ठीक है, हम प्रचार करें कि हरि नाम कीर्तन करना है, कृष्ण भगवान है, कृष्ण लीला के बारे में, गीता के बारे में, परंतु हमारा कर्तव्य भी है, जो प्रचार कर रहे हैं उनका कर्तव्य है, जो गलत गलत विचार है, गलत गलत संस्था है, उनके जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत ही नहीं है, वो कल्पना है, उसको खंडन करना है। सारे आचार्यों ने ऐसा किया, श्रील प्रभुपाद, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती बहुत ज्यादा किया, इतना किया कि इन लोगों को मारने के लिए कोशिश किया, प्रयास किया, फिर भी लोगों को ये एक सेवा है। अभी उदाहरण हम दे सकते हैं, क्योंकि बोलेंगे लोग कि साधु को ये नहीं करना चाहिए, केवल अच्छा कथा बताना है, कीर्तन करना है बस, दूसरे लोग जो करते करने दो, आप हम हमारा भक्ति करेंगे और वो करेंगे, नहीं, उसके वजह से अगर लोग गलत करते हैं तो वो नारक जाएंगे भक्ति के नाम में, तो बहुत बड़ा नुकसान होगा उनके लिए। तो इसीलिए जो सही है बताना और जो गलत है भी, क्यों? क्योंकि जैसे कृष्ण भी गीता में बताते हैं इस चीजों के बारे में, कृष्ण ने क्या बोला, नाम दुष्कृति नो मूला प्रपाद्यंते न्या ना प्रपाद्यंते ना आराधमा माया पारित ज्ञान असुरी भावम आश्रित। कृष्ण सिंह बोल रहे कि जो जो नाराधम, जो मूर्ख लोग हैं, गणा ऐसे लोग जो जो क्या है, दुष्कृति है, सूर है, माया पारित ज्ञान, ये सारे लोग मेरी आश्रय में नहीं आते, वो भगवान की सेवा नहीं करते, असुर, ऐसे शब्द उन्होंने उपयोग किया। और अध्याय 16वां अध्याय में भगवान ने स्पष्ट भेदभाव किया, दैवी देवों देवों तो कम,
प्रवृत्ति और असुरिक प्रवृत्ति। उन्हें स्पष्ट किया कि जो भक्त है उनका गुण किस प्रकार के हैं और असुर किस प्रकार के हैं। और इसी उसी अध्याय में भगवान ने बताया कि कभी कभी ये असुर लोग साधु के कब्र में आते हैं। वो सन्यासी वेश पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं और प्रचार भी करते हैं, बहुत बड़े प्रचार प्रवचन देते हैं और अपने हिसाब से बताते। वहां भगवान को नहीं मानते, बहुत सारे हैं। आज देखेंगे यूट्यूब में, वहां पर देख सकते हैं लोग ऐसे एक बोला कि ये भगवान का क्या जरूरत है। देखिए ये जो लोग भोग लगाते भगवान को, ये सब करना जरूरत नहीं है क्योंकि ये भगवान तो थोड़ी दिया, ये जो किसान है के जो कर रहे किसान, उनने मेहनत किया और आपको सब्जी और ये सब वो आपके पास आ गया, तो उनको धन्यवाद करना चाहिए। तो क्या आप क्या माने ये सोचेंगे? अभी अज्ञानी व्यक्ति और बोलेंगे सही है, देखो वही उन्होंने मेहनत किया, हम अपने आंखों से देख रहे कि वो काम कर रहे। ये किसान वो कहां कहां से शक्ति मिला करने के लिए, कहां से बुद्धि आ गया, कहां से बारिश आ गया, धूप सूर्य चंद्र ये सारे चीज कहां से आ गया, मिट्टी कहां से आ गया। गीता पढ़ी है, भूमि रापोनर वायु का मनोबुद्धि बचा अहंकरा विधि हमें बिन्ना प्रकृति राष्ट्र, ये भगवान के सारे भौतिक शक्तियां हैं। तो इस प्रकार है ने? तो ये एक उदाहरण है केवल। तो ये लोग बात ये है कि ये साधु तथाकथित साधु साधु है और परंतु असुर है, भगवान को नहीं मानते, भगवान की ईर्ष्या करते। असुरों का ये मुख्य समस्या है कि भगवान को ईर्ष्या करते, द्वेष करते। तो बाद में भगवान से लेते कुछ, गीता से भी भागवत से भी कथा बताएंगे सब, तो अंतिम में भगवान को नहीं मानते। तो इसीलिए ये समझाना चाहिए। पूर्वाचार्यों ने भी ऐसा किया। और उदाहरण के लिए अगर हम समाज में देख रहे हैं, मान लीजिए अगर ये सिद्धांत हम पालन करेंगे कि सब कुछ ठीक है या तो माता तो पर, तो तब पुलिस क्या जरूरत है समाज में, पुलिस और आर्मी उसका जरूरत क्या है तब? नहीं, वो लोग युद्ध करते, एक मिनट वो लोग मतलब कोई डाकू कुछ गलत काम करते हैं, चोरी कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो बोलेंगे पुलिस आर्मी जरूरत नहीं है, वो ठीक है, वो चोरी किया, वो किसी को मार दिया, रेप किया, ठीक है, चल चलता है, ऐसे हो सकते क्या? नहीं, उनका कर्तव्य है जो गलत है वो खंडन करना। तो इसीलिए ये समझाना, लेकिन द्वेष से हमें खंडन नहीं करना, समझाना चाहिए क्यों ऐसा है। श्रील प्रभुपाद का विशेष तरीका था कि वो उन्होंने इतना कठोर भाषा उपयोग किया, परंतु उन्होंने क्या किया, उन्होंने समझाया कि क्यों ऐसा है। इसलिए इसे श्रील प्रभुपाद के पुस्तक पढ़ना चाहिए और श्रील प्रभुपाद जैसे प्रचार के इस प्रकार हमें प्रचार करना है, उनके प्रवचन सुना तो तब हम समझा पाएंगे ये लोगों को। परंतु अगर ये लोग तो ज्यादा तो समझने के लिए तैयार नहीं है, सुनने वाला नहीं है, इसलिए जो दूसरे लोग जो अभी निर्दोष है उनको समझाना है और वो भक्ति में आ सकते हैं भगवान की कृपा से। श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा माधव की जय, हरे कृष्णा हरे कृष्णा।